सर जी, कोई खास खबर है? जब कुछ खास होता है तो खबर बनती है। फायदा भाई, ये खास खबर क्या होती है सर जी? मेरा मतलब कोई चटपटी सी खबर। सर, नेमत मर्डर केस की फाइल पढ़ रही थी मैं, और जाए वारदात पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। ठीक है सर, ओके सर। सर, एमएलओ का फोन था, एक केस आया है बन वार्ड में, किसी कॉलेज की लड़की पर किसी लड़के ने तेजाब फेंका है। परा, एक काम करो, तुम चले जाओ। ओके सर। नमाज, तुम मेरे कमरे में आओ। ओके सर। मोहतरमा, आपको मैंने अभी बताया कि पेशेंट की कंडीशन अभी बयान देने के काबिल नहीं है। तो आप कुछ बता सकते हैं कि कब तक वो बयान दे सकती है? ये तो हम मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब हमें कुछ हतमी नतीजे पे हम पहुंच सकेंगे। और ये लड़की के पेरेंट्स हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं ASI फरा हुसैन हूँ। आप लोग नादिया के पेरेंट्स? तो आप लोग ये बता सकते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ? हमें नहीं पता। नादिया कॉलेज से वापसी पर स्टॉप पर खड़ी थी आरफा के साथ। आरफा हमारी बेटी की क्लास फेलो है और दोनों सहेलियां भी हैं। आरफा बतला रही थी कि एक लड़का आया और तेजाब फेंक कर नादिया पर भाग गया। या अल्लाह, मेरी बेटी पर कर दे या अल्लाह। आप लोग हौसला रखें, आप लोगों की किसी से दुश्मनी कोई नहीं? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि नादिया की दोस्त आरफा ने उस तेजाब फेंकने वाले लड़के के बारे में कुछ बताया? नहीं जी, हमें तो नहीं पता। इस वाकये के बाद आरफा खुद इतने शौक में कि वो किसी से कोई बात नहीं कर पा रही। क्या मुझे आरफा का एड्रेस मिल सकता है? जमीर साहब, आपको थाने आना होगा ताकि आपकी मुदय्यत में मुकदमा दर्ज हो सके। ठीक है, शुक्रिया। उसने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया है। वो मुबशिर ही था। मुबशिर कौन? मुबशिर हमारे कॉलेज में पढ़ता है। मुबशिर की नादिया से क्या दुश्मनी? मुबशिर आवारा लड़का है, नादिया को बहुत तंग करता था, और 3 दिन पहले ही नादिया ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। छोड़ो इन सब बातों, लो वो आ गया। मुबशिर इधर आओ। हाँ जी, फरमाएं। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? कौन सी हरकत, मैंने क्या किया है? मुझे स्टूपिड और रोमांटिक किस्म के मैसेजेस करते हो और फिर मुझसे पूछते हो कि क्या हुआ। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया, नाम बताओ जरा उसका। कॉलेज के सारे लड़कों के पास तुम्हारा नंबर है, पहले खुद नंबर बांटती हो, उसका भरम कराती हो। शट अप, मेरा नंबर किसी को नहीं दिया है। छोड़ो ना, इस लोगों के मुंह मत लगो, खामखा तमाशा बनेगा। नहीं, आज मैं इसकी तबीयत साफ कर ही दूं। तुमने फेसबुक पे मेरे बारे में गंदे रिमार्क्स किए हैं, और ये हॉट गर्ल क्या होता है? हॉट तो हो, जभी तो नहीं गरम दिख रही हो। और अपनी जरा बहन से आके पूछो कि कितनी हॉट है। अगर आइंदा ऐसी हरकत करे ना तो प्रिंसिपल से कह के तुम्हें कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगी। अरे तुम क्या मुझे कॉलेज से निकलवाओगी, मैं तुम्हें दुनिया से ही निकलवा दूंगा। और ये थप्पड़ मैं भूलूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। मुबशिर बहुत खतरनाक लड़का है, उसने थप्पड़ का बदला लिया होगा नादिया से। तुम्हें पता है कि मुबशिर कहाँ रहते? नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कॉलेज की कोई भी लड़की उसे बात करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन हाँ, आपको उसका एड्रेस कॉलेज से मिल सकता है। मैडम, मेरी आपसे एक दरख्वास्त कि आपको आरफा से जो मालूम करना था उसने आपको बता दिया। अब मजीद आप इसे इस मामले में ना घसीटे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप तो जानती हैं कि पुलिस कचहरी में अगर लड़की का नाम आ जाए तो फिर उसका रिश्ता नहीं होता। और मैं अब इसे कॉलेज भी नहीं जाने दूंगी, और अपने पेपर्स की तैयारी घर पे ही करूंगी।
अम्मी प्लीज, मेरा लास्ट ईयर है। आप लोग घबराए नहीं, पुलिस आपको बिला वजह डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो तो आप खुदा का शुक्र अदा करें कि ये तेजाब से महफूज रही। नादिया के बराबर ही तो खड़ी हुई थी ये, इस पे भी छींटे आ सकती थी। कोई ऐसी बात जो नादिया ने तुम्हें बताई हो और इस केस में हेल्प कर सके? हाँ, नादिया अक्सर जिक्र करती थी कि मुबशिर की हरकतों की वजह से उसका पूरा घर परेशान है। नादिया हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मुबशिर ने इतनी प्यारी लड़की के चेहरे को खराब कर दिया। मैं तो बस अब अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बच जाए। इंशाल्लाह। आपकी मुदियत में एफआईआर दर्ज हो गई है, वो लड़का बचेगा नहीं। आप जानते हो उस लड़के को? नहीं, नादिया के दोस्त आरफा ने उसे शिनाख्त किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाला किसी सूरत में नहीं बचना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब तो उसके खिलाफ कानून भी आ गया है। एसिड कंट्रोल एक्ट के तहत अगर कोई शख्स किसी को तेजाब से जलाता है या उसका नुकसान पहुंचाता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के इलाज पर तवज्जो दीजिए। उस लड़के को अंजाम तक पहुँचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस एड्रेस पर रहता है मुबशिर। ठीक है, जमाल को भेजो। सर, ये केस तो आपने मुझे दिया है ना? ये भी कोई केस है? मुल्ज़िम शिनाख्त हो चुका है, उसको सिर्फ पकड़ कर लेकर आना है। तुम उस मर्डर केस पर कॉन्सेंट्रेट करो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। हाँ जमाल। सर, एक सुपर स्टोर का मालिक अपनी कंप्लेंट लेकर आया है सर, उसे 5 लाख रुपए की भत्ते की पर्ची मिली है। ठीक है, उसे अंदर भेजो। और सुनो, इस एड्रेस पर रेड करके जल्द अज जल्द हमको मुबशिर नाम के लड़के को अरेस्ट करना है। ओके सर, आज रात ही हवालत में होगा। बस चलो। जी बोले। शारी निगर, चल अंदर। तू ही नादिया को मैसेज करता था और फेसबुक पर उसको बेहुदा कमेंट्स करता था। सब झूठ है। मुबशिर तुम? नहीं, मैं अथर हूँ। हाँ मुबशिर, बुलाओ उसे। मुबशिर तो नहीं है। होशियारी नहीं कर, चल अंदर। झूठ बोलता है, बकवास करता है। तलाशी लो पूरे घर की अच्छी तरह। जी सर। सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर, मैं सच कह रहा हूँ। मुबशिर तो सकर चला गया। और किया क्या है उसने? वो तो बहुत शरीफ लड़का है सर। शरीफ लड़का? तू उसका क्या लगता है? सर, मैं मुबशिर का दोस्त हूँ और ये घर हमने किराए पे लिया हुआ है। सर, इतला घर निकली, पूरा घर हमने देख लिया, बंदा यहाँ नहीं है। फोन करो से इसे। सर, मैं आपके सामने भी मुबशिर को फोन करता हूँ। सर, फोन नहीं लग रहा। सच कह रहा हूँ सर। कमाल। जी सर, ले जाए इसको। जी सर, चले 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 आगे। अच्छी तरह से बैठा जानता हूँ। कसूर क्या Thank you.
चल मैं बाद में बात करता हूँ। तुम्हें मुबशर नहीं मिला तो तुम उसके दोस्त को उठाकर लेकर आ गए? सर वो दोस्त के खातिर खुद आकर गिरफ्तारी देगा सर। तुम उस लड़की को किस कानून के तहत उठाकर लेकर आए? सर अगर मैं अथर को नहीं पकड़ता तो वो भी घर में ताला लगा के भाग जाता सर। हमें अथर नहीं मुबशर चाहिए। सर मुझे शक है कि अथर भी मुबशर के जुर्म में बराबर का शरीक है सर। सर मौके की चश्मदीद गवाह आरफा ने सिर्फ मुबशर को ही शिनाख्त किया। वो इसलिए कि अथर दूसरे कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है कमाल। जी सर। तुम उस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आओ, उससे मैं खुद तफ्तीश करूंगा। अच्छा सर। तुम लोग कराची पढ़ने आए हो या लड़कियों को छेड़ने? एक शरीफ घराने की मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना ही तुम्हारे उस दोस्त को। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और ना मैं इस वाकये के बारे में कुछ जानता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मारपीट की नौबत ना आए, लेकिन तुम क्रिमिनल लोग प्यार की जुबान कहाँ समझते हो। मुझे लगता है तुमको एएसआई जमाल के हवाले ही करना पड़ेगा। चीरा मास्टर रही है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सारी रात मुझे हवालात में खड़ा रखा है, एक मिनट भी रात में सोने नहीं दिया, मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। कम से कम मेरे बाबा को तो फोन कर दें। लड़की को तेजाब से जलाना दहशतगर्दी है और इस जुर्म में जमानत नहीं होती बच्चों। सर मुबशर तो शक्कर चला गया और मुझे कुछ नहीं पता, अगर उसने कुछ किया हो तो मैं नहीं जानता। सर ज्यादा होशियार नहीं बन, तू और मुबशर इस जुर्म में बराबर के शरीक है, समझा? सर जैसी चाहे कसम ले ले, मुझे कुछ नहीं पता। चल ठीक है, मैं तेरी बात पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन एक बात बता, मुबशर रहता तो तेरे ही साथ था ना? उसने कुछ तो बताया होगा नादिया के बारे में, तुझसे अपनी बातें तो शेयर करता होगा ना वो? सर मैं मुबशर की कॉलेज की किसी लड़की को नहीं जानता और ना कभी मुबशर ने मुझे बताया है, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? अच्छा ठीक है, मेरे सामने जरा मुबशर से बात तो करो और सुनो, उसे तुम कुछ बताओगे नहीं, उसको सिर्फ इतना कहना कि तुम्हारे साथ एक हादसा हो गया है, फौरन कराची पहुंचो। हेलो मुबशर यार, कहाँ है तू यार? यहाँ कराची में मेरे साथ एक हादसा हो गया है। हाँ यार मैंने सिम भी चेंज कर दिए, मैं बताऊंगा तू पहले कराची आ जा। हाँ हाँ तू कराची आ जा यार, प्लीज़ जल्दी आ जा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। सर आ रहा है वो। सर मुलजिम का इंतजार करने की क्या ज़रूरत है सर? सक्कर पुलिस से रिक्वेस्ट करके अरेस्ट करवा लें सर। अगर हम इन टटपूंजी मुजरिम को पकड़ने के लिए भी बाहर की पुलिस की मदद लें तो हमारा क्या फ़ायदा? कमाल इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, और याद रखना जब तक ये क्लियर ना हो जाए इसको छोड़ना मत। नाश्ता इसको ज़रा तगड़ा वाला कराना, समझ गया ना? जी सर। मुबशर नाम है ना तेरा? जी सर मेरा नाम मुबशर। खैरियत? अरे चल सब बताता हूँ। लेकिन सर खैरियत मैंने क्या की? चला चला आपको गलत फहमी हुई है सर, मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। नादिया की सहेली ने तुझे खुश ना किया है, समझा? अरे हारपा झूठ बोल रही है, मुझे फंसवाना चाहती है। तू नादिया को पसंद करता था? नादिया को कौन ना पसंद करता था, कॉलेज की सबसे खूबसूरत और सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी। लेकिन नादिया तुझे ना पसंद करती थी? मुझे नहीं पता। तू ही नादिया को मैसेज करता था और फेसबुक पर
उसको बेहुदा कमेंट्स करता था। सब झूठ है, मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो सखर गया हुआ था सर, जब नादिया के साथ ये वाकया हुआ मैं कराची में नहीं था। अच्छा, तू कब गया था सखर? 2 अक्टूबर हो गया था। झूठ बोल रहा है तू। तू 2 तारीख को नहीं, 3 तारीख को सखर फरार हुआ था, नादिया पर तेजाब फेंकने के बाद। आपको कैसे यकीन दिलाऊं? क्या सबूत है तेरे पास कि तू 3 अक्टूबर को कराची में नहीं था? मेरे पास टिकट है, चाहे आप देख लें, मेरे वॉलेट में पड़ा होगा सर, आप देख सकते हैं। सर ये देखें, सर देखें, इस पे रवानगी की तारीख भी लिखी हुई है। सर मैं तो सक्कर में था, मुझे तो हतर का फोन आ गया, प्रॉब्लम में था, मैं भागम भाग कराची दौड़ा है। हतर भी हमारे पास है। सर आपको हकायक का नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल बात है क्या। असल मामला? अच्छा बता फिर, असल मामला क्या है? और एक बात सुन ले, अगर तूने झूठ बोला तो ये समझ ले कि जितना तू झूठ बोलेगा उतना ही तू फंसता जाएगा, समझा? चलो बोल। सर आप मुझसे एलिफोर्ट वाले में कसम से झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बताऊंगा। बता। मुझे नहीं लगता कि मुबशिर इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। पर मुझे यकीन है, मुझसे अब उसका चेहरा देखा नहीं जाता। आप फिक्र मत करें आंटी, तेरी इन हरकतों की वजह से नादिया परेशान है। तुम्हारे क्या ख्याल है, नादिया के चेहरे पर तेजाब फेंकने वाला वाकई मुबशिर है या कोई और? सर पूछगछ तो कर ही रहे, तो वही बता सकते हैं कि सच क्या है। लेकिन आरफा ने तो मुबशिर को शनाख्त किया है ना, और मुझे नहीं लगता कि मुबशिर इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। नहीं, पर मुझे यकीन है कि इतनी गलीज हरकत वो लड़का ही कर सकता है। लेकिन शक्ल से तो वो क्रिमिनल नहीं लगता। क्रिमिनल के सर पे सींग नहीं होते, और हर मर्द अंदर से एक जैसा ही होता है। जरूरी कि हर वाक़े में औरत ही मजलूम हो, नादिया ने भी कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो मुबशिर ने इतना बड़ा कदम उठाया। और अगर उसने वाकई ही तेजाब फेंका है तो तुम्हें नहीं पता कि इस तेजाब की अजियत क्या होती है। मेरी कजन के साथ यह हादसा हो चुका है, उसके शौहर ने उसे खुद तेजाब से जलाया है, 1 साल का बच्चा छोड़कर मरी है जवानी में वो। ओह आई एम सॉरी। एक शरीफ घराने की शरीफ लड़की का कसूर ही क्या था कि वो एक अच्छी तालीम हासिल करना चाहती है? को एजुकेशन में पढ़ने का मतलब ये तो नहीं कि साथी स्टूडेंट के साथ अफेयर चलाए। बाय द वे, तुम्हारा किसी से अफेयर नहीं चला क्या? शट योर माउथ जमाल, खुद भी काम करो और मुझे भी काम करने दो। ठीक है मैम। आंटी कैसी हैं आप, और नादिया की तबीयत कैसी है? बस दुआ करो बेटा। आंटी मैं तो हर नमाज में नादिया के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी अता करे, हर वक्त पढ़ती रहती हूँ उसके लिए। हाँ बेटा, अल्लाह सुनने वाला है और तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। चांदनी का चांद थी मेरी नादिया, मुझसे अब उसका चेहरा देखा नहीं जाता। आप फिक्र मत करें आंटी, और वैसे भी आजकल तो कॉस्मेटिक सर्जरी से बर्न इंजरीज ख़त्म हो जाती हैं, क्या मैं नादिया को इतने जल्दी देख सकती हूँ? वो सो रही है, डॉक्टर ने उसको डिस्टर्ब करने से मना किया है। अंकल कहाँ हैं और उनकी तबीयत ठीक है? हाँ, रात में वो रुकेंगे और दिन में मैं देखभाल करती हूँ। पुलिस वालों ने कुछ किया, मुबशिर पकड़ा गया या नहीं? अंकल को ही पता है क्योंकि वही पुलिस के साथ रहते हैं,
मुझे तो कुछ बताते ही नहीं। कहते बस तुम नादिया का ख्याल रखो और उसके लिए दुआ किया करो, जिसने मेरी बेटी के साथ ये जुल्म किया है अल्लाह उसके साथ भी ऐसे ही करेगा। ये एक माँ की बददुआ है। आंटी आप तसल्ली रखें, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। जी सर। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुजरिम बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यस सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। हाँ भाई क्या रिपोर्ट है, कॉलेज की इंक्वायरी हुई? जी सर, कॉलेज के अटेंडेंस रिकॉर्ड से पता चला है कि मुबशर कई दिनों से कॉलेज से एब्सेंट है और 3 अक्टूबर को भी वो कॉलेज नहीं आया था जिस दिन ये वाक्या पेश आया था। सर नादिया पर तेजाब से हमला कॉलेज के बाहर हुआ, वो कॉलेज में था या नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? नादिया ने जो मुबशर को थप्पड़ मारा था उस वक्त ये तस्दीक हो गई? जी सर, मैंने कॉलेज के लड़के लड़कियों से पूछा है लेकिन उन्होंने इस मामले में लाइलमी जाहिर की। सब लोग पुलिस से जान छुड़ाते हैं, कोई भी इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता सर। तुमने क्या काम किया, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? सर नादिया के मोबाइल में कुछ गलत किस्म के SMS तो मिले थे जो कि मुबशर के नाम पर है, लेकिन सर जिस नंबर से वो SMS मिले हैं वो नंबर मुबशर के नाम पर नहीं है, वो किसी अननोन सिम से भेजे गए हैं सर। हो सकता है सर कि अनरजिस्टर्ड सिम से नादिया को मैसेज किए जा रहे हों, क्योंकि इस तरह के लड़के तो बहुत चलाक होते हैं। अलबत्ता फेसबुक पर जो मुबशर का अकाउंट है सर, इसमें मोबाइल से बनाई गई नादिया की तस्वीरें बेहूदा कमेंट्स के साथ अपलोड की गई हैं। फरा ये डॉक्यूमेंट मुझे दो। जी सर। ठीक है तुम लोग जाओ। ओके सर। तुम कहते हो कि तुम्हारा नादिया से कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन तेरी इन हरकतों की वजह से नादिया परेशान है। सर मेरा अकाउंट नहीं है सर। अच्छा मुबशर तेरा नाम नहीं है और ये पिक किसकी है? सर मैं फेसबुक यूज़र था लेकिन अब नहीं हूँ सर। बकवास नहीं कर, बताया ID किसकी है? सर ये मेरे खिलाफ़ साजिश है, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर ये आप चाहें तो ये IP एड्रेस देख लें, ये कहाँ से ऑपरेट हुआ अकाउंट सर। अच्छा कंप्यूटर के बारे में इतनी मालूमात है तुझे और तू कह रहा है कि तू फेसबुक यूज़ नहीं करता हुँ? सर मैं आपको सच कह रहा हूँ सर, मैंने एक अकाउंट बनाया था सर लेकिन अली मुबशर के नाम से था सर। सर मैं दिखाता हूँ आपको सर। सर ये देखें सर ये मेरा अकाउंट है सर। सर देखिए मैंने आखिरी पोस्ट देख ली सर, 6 महीने पहले की थी सर। मैं यूज़र नहीं हूँ सर फेसबुक का सर। जमाल इसे ले जाओ और फरा को अंदर भेजो। ओके सर। चल भाई। और मुबशर अगर तू मुबशर के बगैर नहीं जाना चाहता तो फिर पकड़ रहे हवालात में। अदर तू जा यार, तुझे आज़ादी मिल रही है, अच्छी बात है। मैं भी बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा। मैं बाहर जाते ही तेरे लिए वकील का इंतजाम करता हूँ। वकील की फीस कहाँ से आएगी? और सुन घर पे फोन करके किसी को नहीं बताना, मैं अम्मा बाबा को परेशान नहीं करना चाहता। यार तू वैसे ही इतना परेशान है, इस पे बाबा को तो बताना पड़ेगा ना। यार मैंने कह दिया ना किसी को कुछ नहीं बताना, बस तू जा, तुझे आज़ादी मुबारक हो मेरे दोस्त। तो अपना ख्याल रखो। सर साहब इनसे छोड़ने का हुक्म दिया है, जा रहा है ये। साहब ने कह दिया तो जाने दे इसे। जाने दूं ऐसे ही? और कुछ चाय पानी? अबे नाइट सूट में उठा के लाए थे इसे, किसी को तो बख्श दिया कर, हर वक्त 150 के चक्कर में रहता है छोटा आदमी। चल भाई जा। और जा भाई ऐश कर, लेकिन याद है जब अपने दोस्त को छुड़वाने आए ना तो खाली जेब नहीं आना। साहब शुक्रिया साहब।
शुक्रिया साहब। खैरियत आप लोग, क्या हुआ? बात तो सुनिए। अरे क्या अरे हुआ क्या है? क्या हुआ है बताएं तो सही, इसको कहां लेके जा रही हैं आप? अरे बात तो सुनिए। आपके पुलिस वाले मेरी बच्ची को उठा लाएं, ये कैसा इंसाफ है, कैसा कानून है ये भाई? अम्मा जी शोर ना करें, ये थाना है, आपकी खाला जी का घर नहीं है ये। अरे शोर कैसे ना करूं, मेरी बच्ची का कसूर क्या है? मासूम नहीं है आपकी बेटी, नादिया को इस साल तक पहुंचाने वाली वही है। अरे ये आपको गलतफहमी हुई है, मेरी बच्ची कभी ऐसा नहीं कर सकती। आरफा तो नादिया की दोस्त है। आरफा दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है, ये घिनौनी साजिश करने वाली वही है। अरे तो आप मुझे आरफा से मिलने तो दें, आपने उसे छुपा के कहां रखा है? देखिए अम्मा जी, मेरे साथ बहस करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना अफवाह जाया कर रही हैं। बेहतर यह है कि आप कोई अच्छा सा वकील करें और अपनी बेटी की जमानत का इंतजाम कराएं कोर्ट से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी सजा से बच सकेगी। आप जाइए यहाँ से। हाँ हाँ जाती हूँ, जाइए आप। मैंने क्या किया है? सर ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे? सॉरी मैं नोट्स नहीं बनाती, डायरेक्ट बुक यूज करती हूँ। नहीं छोड़ूंगा, हाथ ही तो मांगा है। अब ये मगरमच्छ की तरह आंसू बहाना बंद कर और अपना जुर्म कबूल कर। मैंने क्या किया है? पानी पियो। अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम एक शरीफ घराने की लड़की हो, मुझे भी तुम्हारी ये गिरफ्तारी खुद अच्छी नहीं लग रही है। सर ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। आप आधे घंटे के लिए मेरे हवाले करें, फिर देखें सारे अगले पिछले गुनाह से कबूल करवाती हूँ मैं। अगर प्यार की जुबान ना समझी तो फिर वही करना पड़ेगा जो तुम कह रही हो। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ रियायत कर दूं। सर मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने नादिया को दोस्त बनकर धोखा दिया और उसको ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। सर नादिया पे तेजाब बशीर ने फेंका था, मैंने नहीं, मैं तो उसके साथ बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। इतनी झूठी कहानी बंद करो, कान खोल कर सुन लो आरफा, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास, मुझे सिर्फ जरूरत है तो तुम्हारे एतराफ जुर्म की, जो कि अगर तुम ना भी करो ना तो भी इतने सबूत हैं मेरे पास तुम्हारे खिलाफ जो तुमको 7 साल के लिए जेल भेजने को काफी होंगे। एक अनरजिस्टर्ड सिम से मुबशर बनकर नादिया को तुम ही मैसेज करती थी ना, और फेसबुक पर मुबशर अली के नाम का जाली अकाउंट भी तुम्ही ने खोला था। नादिया की तस्वीरें तुम्हारे पास थी जिनको तुम फेसबुक पर अपलोड करके मुबशर अली के नाम से नामुनासिब कमेंट पास किया करती। और यही नहीं, तुमने झूठ बोला कि नादिया ने मुबशर को कॉलेज में सबके सामने थप्पड़ मारा, जबकि सिरे से ऐसा कोई वाक्या हुआ ही नहीं था। ये सब आपसे किसने कहा? नादिया भी मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है। अलबत्ता तुम्हारे इस घिनौने जुर्म की वजह से वो मौत के करीब जरूर हो गई है, लेकिन हमने उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं क्या तुम्हारे उस साथी का भी नाम बताऊं जिसने तुम्हारे कहने पर नादिया के चेहरे पर तेजाब फेंका था? अपना जुर्म कबूल करो आरफा, तुम्हारे आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे, तुम्हें जितना रोना हो जेल में जाकर रो लेना, वहां बहुत वक्त होगा तुम्हारे पास। बोलो मैं सुन रहा हूं। सर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। हो सकता है कि जज को तुम पर रहम आ जाए और वो तुमको हल्की सजा दे। बोलती रहो मैं सुन रहा हूँ। वे हसद और इंतकाम की आग में अंधी हो गई थी, नादिया इतनी खूबसूरत क्यों थी? सारे लड़के परवानों की तरह उसके आगे पीछे घूमते फिरते थे, उससे कोई क्यों मोहब्बत नहीं करता था? नादिया के मामले में दो लड़के बेहद सीरियस थे, एक मुबशर और दूसरा खालिद। मैं चाहती थी
नादिया खूबसूरत ना रहे, उसका चेहरा बदसूरत हो जाए, और अगर वो बदसूरत हो जाती तो कॉलेज में सिर्फ मैं ही मैं होती। पहले मैंने अपने इस मकसद के लिए मुबशिर का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मुझे उसमें कवरेज नज़र नहीं आई। हाय मिस नादिया, वो केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे? सॉरी मैं नोट्स नहीं बनाती, डायरेक्ट बुक यूज़ करती हूँ। अच्छी बात है, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, एक कप कॉफ़ी हो जाए। क्यों आरपा? हाँ तुम कॉफ़ी नादिया को ऑफर कर रहे हो या मुझे? तुम दोनों को। मुझे टीचर के पास जाना है, आरफा तुम फ्री होकर आ जाना। दरअसल दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, और सच्ची बात तो यह है मुबशिर कि नादिया को अपने हुस्न पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस जैसा हुस्न है ना वैसे ही नखरे हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारी तो दोस्त है ना, थोड़ी दोस्ती हमारी भी करवा दो। वैसे तुम इतना उसके सामने झुकते क्यों? तुम भी कुछ कम नहीं, अच्छे खासे स्मार्ट हो। बस क्या करूं जी, दिल तो बच्चा है। गुड लाइन। फिर मैंने खालिद का इस्तेमाल किया। खालिद भी नादिया का दीवाना था, लेकिन नादिया उसे भी लिफ्ट नहीं करवाती थी। नादिया ने थप्पड़ मुबशिर को नहीं खालिद को मारा था। उस वाकये की सिर्फ मैं गवाह हूँ। उस वक्त सेमिनार रूम में सिर्फ हम तीन थे। हाय क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही फ्री पीरियड था तो बैठे हुए हैं। नादिया तुम कैसी हो? आई एम फाइन। आरफा तुम दो मिनट के लिए वहाँ जाके बैठोगी, मुझे नादिया से कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्यों, ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो आरफा के सामने नहीं हो सकती? यार मुझे तुमसे पर्सनल बात करनी है। तुमसे कौन सा पर्सनल ताल्लुक है मेरा? वही तो बनाना चाह रहा हूँ। ए मिस्टर अपनी हद में रहो, मैं यहाँ पे कॉलेज पढ़ने आती हूँ, अफेयर चलाने नहीं। आरफा लेट्स मूव, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। नादिया एक मिनट मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा, हाथ ही तो मांगा है। देखा तुमने अपनी दोस्त को, इतने साल से हम एक ही क्लास में हैं, लेकिन आज भी वो मुझे अजनबी समझती है। आई एम सॉरी खालिद, नादिया ऐसी ही है, वो कभी तुम्हारे जज्बों की कदर नहीं करेगी। और उस आग का क्या करूं जो मेरे सीने में जल रही है? देखो एक मशहूर कॉल है, अगर तुम उसे अपना नहीं सकते जिसे तुम चाहते हो तो फिर उसके हो जाओ जो तुम्हें चाहता है। फिर मैंने खालिद के दिल में दरार डाल दी और अपने लिए रास्ता निकाल लिया। लेकिन मुझे हर वक्त यही खतरा लगा रहता था कि कभी भी खालिद नादे की तरफ पलट सकता है, क्योंकि नादिया उसकी पहली और सच्ची मोहब्बत ही थी। इसीलिए मैंने रफ्ता रफ्ता खालिद के दिल में इतना जहर भर दिया कि उसको भी मेरी तरह नादिया से नफरत हो गई। किस मिट्टी के बने हो तुम, इतनी बेइज्जती के बाद भी उसे याद कर रहे हो? तुम्हें पता है पूरे कॉलेज में पता चल गया कि नादिया ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। सबको? सबको किसने बताया? उस वक्त सेमिनार रूम में तो सिर्फ हम तीन थे। नादिया ने ही बताया है, पूरे कॉलेज में वो तुम्हारा इमेज खराब करती फिर रही है। तमाम स्टूडेंट्स तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उससे बेइंतहा मोहब्बत की है। देखो मैं मानती हूँ नादिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती के अलावा उसमें खूबी ही क्या है? एक नंबर की बदमिजाज है, मगरूर है। तुम ये बात अपनी दोस्त के बारे में कह रही हो? साथ रहने से कोई दोस्त नहीं बन जाता, और मैं तो कहती हूँ नादिया को उसके गुरूर की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? पता नहीं तुम मेरी बात समझोगे भी या नहीं, तुमने सिर्फ
नादिया के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। देखो खालिद, कदर उसकी करो जिसके दिल में तुम्हारी कदर है। तुम? हाँ, लड़की होकर मुझे ही पहल करनी पड़ रही है। खालिद, क्या मैं नादिया की जगह ले सकती हूँ? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैंने खालिद को राजी कर लिया कि वो नादिया से अपनी ताहिन का बदला ले। मेरे कहने पर ही उसने नादिया के मुंह पर तेजाब फेंका था। अपने सिग्नेचर पर साइन करो। साइन करो। खालिद कहाँ रहेगा? खालिद उस वाकिए के बाद हैदराबाद चला गया था। इस वक्त भी वो हैदराबाद में ही है। फरा, इसको लॉकअप करो और जमाल को मेरे पास भेजो।